जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वेदांता जॉब एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आप इसका कारण भी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन से एग्ज़ाम यानी एयरफोर्स, नेवी और NDA के लिए कौन सी बुक प्रयुक्त है, कौन सी बुक अप्रोप्रिएट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि केवल लगातार पढ़ते रहने से या ढेर सारी किताबों को पढ़ लेने से सफलता नहीं आपके पास आने वाली है, क्योंकि आपको सफल होने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक रणनीति होना चाहिए और साथ ही स्टैंडर्ड बुक का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्केट में जो कि चकाचौंध को देखकर, किताबों की चकाचौंध को देखकर बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन याद उनमें से कुछ नहीं रहता है। इसलिए हम दोस्तों को मांग कर लेकर ही यह वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरफोर्स की। फ्रेंड्स, एयरफोर्स में दो ग्रुप होता है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। चलिए देखते हैं एक्स ग्रुप का सिलेबस। एक्स ग्रुप का सिलेबस तो और उसके बुक कौन सा बुक प्रयुक्त है, बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथ के लिए आप NDA आरिस अग्रवाल प्लस में लूसेंट का मैथ बना सकते हैं। लूसेंट वायु सेना भर्ती परीक्षा होता है, उसका लूसेंट का एक बुक आता है और NDA आरिस अग्रवाल, ये दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का भी एक लूसेंट पब्लिकेशन का ले लीजिए और साथ ही हमारे YouTube चैनल पर इस इंग्लिश को लेकर, मैथ को लेकर वीडियो आते रहेंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम बहुत चुन चुन कर लाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए आप एयरफोर्स के फिजिक्स के लिए आप लूसेंट वायुसेना भर्ती परीक्षा के लिए लूसेंट का बुक ले लीजिए। ये हिंदी मीडियम में आता है, यह प्रयुक्त है। इसको आप यदि रट सकते हैं और कुछ थोड़ा थोड़ा एम करीब का न्यूमेरिकल बना लीजिए, इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं वाई ग्रुप का। वाई ग्रुप का इंग्लिश तो सेम है एक्स की तरह, तो आप वहीं लूसेंट पब्लिकेशन का पढ़ लीजिए और जो बचा GK GS तथा जनरल अवेयरनेस वो हमारे यूट्यूब चैनल पर करा दिया जाएगा। ऐसे आप अरिहंत का कोई बुक पढ़ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेवी का। फ्रेंड्स, नेवी SSR या डबल दोनों का तो एग्ज़ाम एक ही में ले रहा है और उसका हम पहले बता दें कौन सब्जेक्ट है, कौन कौन लेता है, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, GK और रीजनिंग। GK और रीजनिंग एक नहीं होता है। चलिए इसके बात करते हैं कौन सब्जेक्ट के लिए कौन बुक अच्छा रहेगा। मैथ के लिए वही एयरफोर्स वाला NDA आरिस अग्रवाल प्लस में लूसेंट वायुसेना भर्ती परीक्षा। इंग्लिश के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का कोई चूज कर सकते हैं प्लस में हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो। फिजिक्स में लूसेंट वायुसेना भर्ती परीक्षा तथा एम करीम का न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा, क्योंकि नेवी का जो फिजिक्स का लेवल होता है वो एयरफोर्स से थोड़ा ऊपर होता है। और बात करते हैं GK और रीजनिंग का, तो GK के लिए आप लूसेंट का आता है एक वायुसेना भर्ती का, GK का आप वो पढ़ सकते हैं, प्लस में करेंट अफेयर जरूर पढ़ना है। और जो रीजनिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर करा दिया जाएगा। ऐसे आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का लेकर। अब बात करते हैं NDA के। फ्रेंड्स, NDA एक अपने आप में बड़ी एग्जाम है। यदि आप बड़ी सपना रखे हैं तो आपको जरूर इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। NDA को आपको शुरू से यानी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक NCERT का बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तो उतना समय होता नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट अपनाएंगे, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। चलिए बताते हैं इसके लिए आपको कौन सा बुक अप्रयुक्त रहेगा। पहले बात करते हैं मैथ का। मैथ का आप सबसे पहले पाथ फाइंडर जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है, पाथ फाइंडर बनाइए। अरे टाइम आपके पास बचता है, यदि आप चाहते हैं और किताब पढ़ें तो आप RS अग्रवाल सर का बुक पढ़ सकते हैं। और GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन चूज कर लीजिए। प्लस में इन तीनों परीक्षाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो जो वीडियो आता है आप उसे जरूर देखिए, आप हमसे जुड़े रहिए, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। फ्रेंड्स,
जानकारी कैसी लगी? यदि कोई भी डाउट हो कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू, साइनिंग आउट।